दोस्तों, मैं भावना आपका आपके YouTube चैनल भावना एजुकेशन हब में स्वागत करती हूँ। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के फैक्ट्स कवर कर लिए थे हमने काफ़ी, उसी में हम आगे बढ़ते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जनगणना नगर कितने हैं। 41 रटना ही पड़ेगा आपको, नो ऑप्शन। कुल जनगणना शहर है 116। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, सर्वाधिक नगर किस में है? हरिद्वार में 24। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा नगर हैं। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरिद्वार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है, एक नगर है सिर्फ, याद रख सकते हैं आप ऐसे। बाघ है इसमें सबसे कम नगर वाला जिला है, सबसे कम नगर है। क्यों? क्योंकि इसमें बाघ ज़्यादा हैं, तो बाघ है। बागी बागवानों वाला जिला है, सो नगर नहीं है, ठीक है। कुछ कुल वैधानिक नगर है 102। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के आंकड़े के अनुसार है, ठीक है। कुल कार्यशील नगर निगम, कार्यशील नगर निगम है मैदान में 1,00,000 व पहाड़ में 90,000 या अधिक आबादी वाले, ठीक है। कुल कार्यशील नगर निगम किस में रखे गए हैं? मैदान है जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा जनसंख्या है वो मैदान में, और जिसमें 90,000 से ज़्यादा जनसंख्या है वो आपके पहाड़ी क्षेत्र में। तो कितने हैं? 9 है। कहाँ कहाँ पर है नगर निगम? देहरादून में है, के हरिद्वार में है, हल्द्वानी, काशीपुर, त्रिपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। ये किस आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, ठीक है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, ओके। देहरादून, हरिद्वार ये ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। पास पास में है दोनों कनेक्ट। हल्द्वानी, काशीपुर, ठीक है। रुद्रपुर, रुड़की, रुद्र रू रू, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, रुड़की। चार हमारे कवर हो गए, ठीक है। हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, काशीपुर, कोटद्वार, ठीक है। हल्द्वानी, ऋषिकेश और श्रीनगर। थोड़ा सा टू टू के पेयर बना के आप रिलेट करें, तो आप जब आपके ऑप्शंस होंगे आप उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे और हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कुल कार्य नगर पालिका परिषदें, पहाड़ में 50,000 से 90,000 व मैदान में 1,00,000 आबादी तक 42 है, ठीक है। कितनी है? 42 है, ओके। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आया है? सबसे पहली नगर पालिका परिषद कहाँ है? मसूरी नगर पालिका परिषद, ठीक है। मसूरी सबकी फेवरेट जगह, ओके। कुल कार्यशील नगर पंचायतें कितनी है? 51, ठीक है। कार्यशील नगर पंचायत कितनी? 41। कुल विकास प्राधिकरण है 14। प्राधिकरण है 14, याद कैसे रखेंगे? स्टेट का, स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वही पढ़ रहे होंगे, बट सेंटर के जो सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं वो पॉलिटी सब पढ़ते हैं। तो उसमें अधिकरण है आर्टिकल, सॉरी भाग 14 में, अधिकरण 14, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो आप। अधिकरण, प्राधिकरण, साउंड सेम, ओके। अधिकरण, प्राधिकरण इसमें कितने हैं? 14। कुल आवास विकास परिषद है 1, ठीक है। 2021 के अनुसार कुल आवास विकास परिषद है 1। नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से। प्रत्यक्ष रीति जो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता चुनाव होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रीति से किया गया चुनाव। नगर उप प्रमुख, उपमेयर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति। ये प्रत्यक्ष रीति से जो जनता डायरेक्ट करती है, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? 9। और नोटिफाइड एरिया है 1। नोटिफाइड एरिया कितने हैं? 1, ओके। औद्योगिक कस्बे हैं 2। राज्य में वनों के प्रबंधन
नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई है 1931 में। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं वैसे ही वन पंचायतें बनाई गई हुई हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया है, कानूनी व्यवस्था, कानूनी संस्थाएं। अब तक गठित की जा चुकी 12,166 वन पंचायतें, ओके 12,167 वन पंचायतें अब तक गठित की जा चुकी हैं। ठीक है, कभी कभी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं तो आप थोड़ा सा इसको देख के चलेंगे। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में है लगभग 18.86% वन। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण है 50%, मोस्टली आरक्षण कितना दिया गया है महिलाओं को, 50%। मोस्टली क्वेश्चंस में आपके आंसर में 50% ही आएगा, ओके। राज्य सेवा में राज्यों के एससी एसटी और ओबीसी हेतु आरक्षण है, देखिए एससी के लिए 19, एसटी 4, ओबीसी 14, ठीक है। एसटी की सीट्स भी कम होती है, एसटी की पॉपुलेशन कम होती है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे इसमें कम है, पूरे कितनी है, एंड एससी 19 मीन्स और ओबीसी की है 14%, ठीक है। राज्य सेवा में राज्य के भूपूर्व सैनिक खिलाड़ियों विकलांगों हेतु आरक्षण कितना दिया गया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है सैनिकों को, दिया है 5%, खिलाड़ियों को 4%, विकलांगों को 3%, सबसे कम है विकलांगों की, ठीक है 3%, और सैनिक है उनको 5%, खिलाड़ियों को दिया गया है 4%। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेना व उन आश्रित हेतु स्वतंत्रता सेनानी उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है 2%। राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण है 30%। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 2005 में, ठीक है, कब किया गया है 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया 2011 में, ये इनके स्थापना वर्ष इतना जरूरी नहीं, बट इनके अध्यक्ष कौन बने वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अभी हम नेक्स्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे, आप इसको भी देखते हुए चलिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आप उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन 2011, बाल अधिकार संरक्षण कब दिया, गठन कब किया गया है 2011 में। अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन, अल्पसंख्यक 2003, देखिए अल्पसंख्यक अ है यहाँ से को जब हमारे हम ऑप्शन देखेंगे तो कैसे सोच अल्पसंख्यक इसमें भी आता है 2003। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया, सेवा का अधिकार कानून बनाया गया कब बनाया गया 2011 को। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग, सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया 2013 में, ओके। जनता द्वारा अपनी समस्या को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को संचालित वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है samadhan.ukgovernment.in, ओके ओके। अब हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल, ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे हम एक बार आपको डिस्कस करते हैं और ये आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट या करंट के जो भी राज्यपाल होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट करंट के
जो भी हमारे राज्यपाल होंगे उनके बारे में पूछ ज्यादा होते हैं। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ये हैं सरदार जी हैं, स्माइली फेस पिक्चर्स देख सकते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन पिक्चर्स को देखते हुए बना सकते हैं। और जब आपके ऑप्शन सामने आए तो चार नाम होंगे, जी सिंह बरनाला है फॉर एग्जांपल, सुदर्शन अग्रवाल होगा उसमें, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने पिक्चर्स में सरदार जी लाइक सरदार जी जैसे दिख रहे थे, और नाम से क्लियर हो जाता है सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, का कार्यकाल था 2000 से 2003। ठीक, सेकंड है सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, सेकंड सुदर्शन अग्रवाल से रिलेट कर सकते हैं, 2003 से 7 इनका कार्यकाल है। तृतीय राज्यपाल है बी एल जोशी। ठीक है, थर्ड है बी एल जोशी का कार्यकाल है 7 to 9। ओके, फोर्थ है मार्गेट अलवा, मार्गेट अलवा लेडी, स्माइली फेस लेडी। ठीक है, फिफ्थ राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी, 2012 से 15 तक इनका कार्यकाल है। ओके, डॉक्टर अजीज फिफ्थ है। ओके, सिक्स कौन है, कृष्णकांत पाल, सिक्स कृष्णकांत पाल, 15 to 18। सेवेंथ कौन है, बेबी रानी। ठीक है, बेबी रानी मौर्य, 2018 से लेकर 2021 तक इनका कार्यकाल है। एंड वर्तमान है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट में आपके वर्तमान राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ठीक है, कौन है, गुरमीत सिंह है, 2021 से अब तक यही हमारा राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रेजेंट में और फर्स्ट में काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ओके, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री भी ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट और तो हमारे लास्ट होंगे। ठीक है, ट्वेल्थ हैं ये, अभी जो हाल फिलहाल के हैं करंट, पुष्कर सिंह धामी। ठीक, पुष्कर सिंह धामी हैं 2022 से अब तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है नित्यानंद स्वामी, 2000 में बने और इनका कार्यकाल था 2000 से 1 तक। ठीक है, नित्यानंद स्वामी। सेकंड भगत सिंह कोशियारी, तृतीय नारायण दत्त तिवारी, प्रथम निर्वाचित। ठीक है, फोर्थ हमारे भुवन चंद्र खंडूरी हैं। ठीक है, भुवन चंद्र जी कौन से हमारे फोर्थ मुख्यमंत्री। फिफ्थ रमेश पोखरियाल, सिक्स भुवन सिंह भुवन चंद्र खंडूरी। ओके, ये दो बार फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में दो बार बने हैं। ठीक है, सेवेंथ में विजय बहुगुणा, एट्थ में हरीश रावत, एंड नाइन्थ त्रिवेंद्र सिंह रावत, दशम तीरथ रावत, और हमारे इलेवेंथ है पुष्कर सिंह धामी। ट्वेल्थ हमारे हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी है इलेवेंथ और ट्वेल्थ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और फर्स्ट का हमारे हैं नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष को प्रकाश पंत थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष को थे प्रकाश पंत। सेकेंड हमारे तृतीय हमारे थे हरवंश कपूर राज्यपाल। राज्यपाल कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह पाल।
फोर्थ विधानसभा प्रेम चंद्र अग्रवाल, फिफ्थ सुखंडोरी, ये प्रथम महिला हैं। देखिए ये प्रथम महिला हैं, विधानसभा अध्यक्ष प्रथम महिला हैं, इस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी, और बिकॉज क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष है ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कौन है अभी प्रेजेंट की? रितु खंडूरी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजय बथवाल, 2000 से 2012 तक इनका कार्यकाल प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड अशोक अबेंद्र, कौन है प्रथम न्यायाधीश से, प्रथम उख अभेंद्र देसाई, याद कैसे रख सकते न्यायालय की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय, न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय में क्या होता है, न्याय पा रहे हैं ना, न्याय, तो अशोक भी क्या है, एक न्याय का प्रतीक, तो यहाँ पे अशोक, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, प्रेजेंट में प्रेजेंट क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान 13वें मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, ओके। प्रथम महाधिवक्ता एलपी नैथानी, प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में, अंतरिम सरकार में है एलपी नैथानी, अंतरिम में एलपी नैथानी, और निर्वाचित सरकार में है मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता कौन होंगे, मेहरबान सिंह नेगी। वर्तमान महाधिवक्ता कौन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, कि नारायण बाबुलकर महाधिवक्ता, वक्ता किसे बोलते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम, याद कंफ्यूजन है कि अंतरिम फिर निर्वाचित फिर प्रेजेंट, तो तीनों महाधिवक्ता को आप थोड़ा सा कैसे ट्रिकी वे में याद रख सकते हैं। महाधिवक्ता, वक्ता बोलते हैं ना जिसे बोलते हैं, बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, तो बोलना मेहरबान, ठीक है, तो मत बोलो मेहरबानी होगी, है चार ऑप्शन होंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो, तुम नहीं बोलोगे तो ज़्यादा मेहरबानी होगी तुम्हारी, तो कौन है निर्वाचित, कौन है, नहीं बोलोगे निर्वाचित तुम नहीं होंगे, मेहरबानी होगी, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में है एल पी, ओके। हमारा वर्तमान महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर, वर्तमान महाधिवक्ता, वही फिर से वक्ता बोल रहा है, ठीक है, तो बाबुलकर वर्तमान में कौन है, बाबुलकर, ठीक। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको, निर्वाचित का बात हो रही है, निर्वाचित महाधिवक्ता चुप रही है तो मेहरबानी होगी, ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान में ये महाधिवक्ता हो गए हमारे बाबुलकर, ठीक है, बोलने वाला बाबुलकर, ठीक। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ठीक। विधि, विधि से वीर, तो थोड़ा सा लेट करें, ऑप्शन में देखते ही आपका क्लिक हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष प्रथम, अब हर इसमें जितने भी आयोग होंगे उसमें प्रथम और प्रेजेंट, प्रथम और प्रेजेंट आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बस ये है आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा उसके बीच में कनेक्शन बनाइए कि आपको वो याद रहे कि प्रथम कौन और अभी प्रेजेंट में कौन से हैं, और कंफ्यूज नहीं होना है कि विधि में वित्त में आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताया है महाधिवक्ता का, तो महाधिवक्ता का आपके पास क्वेश्चन आता है, आप प्रेजेंट में और निर्वाचित में अंतरिम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी आप उसको बना ले जाएंगे। प्रथम अध्यक्ष राय, ओके, प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, वर्तमान अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति राजेश
टंडन की प्रथम विधि का धर्मवीर शर्मा होंगे और वर्तमान अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति राजेश टंडन। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आर के धर। सेंटर का क्वेश्चन है ये तो आपने पढ़ा होगा। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग आर के धर। आर के धर आपने कमेटी भी पढ़ी होगी, आर के धर कमेटी। ओके, वर्तमान अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग इंदु कुमार पांडे। ठीक है, ओके। वर्तमान पांचवे अध्यक्ष हैं राज्य आयोग के, वो है आर पांडे। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग जैन। वर्तमान अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग विजय कुमार बिष्ट। ठीक है, विजय कुमार बिष्ट। तो मानव अधिकार की बात हो रही है ना, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पहले है विजेंद्र अधिकार, विजेंद्र होते हैं जो विजय पा सकता है वही अपने अधिकारों की बात करेगा मानव अधिकार। तो पहले कौन? विजेंद्र। और वर्तमान का कौन है? पहला और वर्तमान। वर्तमान में कौन है? विजेंद्र और फिर विजय, बड़ा वर्ड है विजेंद्र। तो न्याय अधिकार, मानव अधिकार, मानव के अधिकारों की बात। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास होता है कि हाँ मैं अपने अधिकारों की बात रख सकते हैं, मानव अधिकार की बात कर सकते हैं। तो विजेंद्र फर्स्ट और विजय प्रेजेंट के हैं और बेस्ट। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की कौन है? संतोष चौहान। प्रथम राज्य महिला आयोग। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की कौन? संतोष चौहान। ओके, संतोष चौहान है। वर्तमान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग कंडवाल। महिलाओं के नाम है याद कैसे रख सकते हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है फर्स्ट संतोष चौहान, तो महिला अध्यक्ष बनते ही उनमें क्या आया? एक संतोष आ गया। ठीक है, संतोष मिला उन्हें काफ़ी कि मैं अध्यक्ष बन गई महिला, वो भी फर्स्ट। फर्स्ट कौन? संतोष। ओके, और अभी वर्तमान की है कंडवाल। ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अजय तेतिया। ठीक है, अब देखिए हम इसमें सिर्फ ट्रिक्स को रिलेशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप याद रख सकते हैं, पर आप फैक्ट को कितना रटेंगे और रट के नाम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ते आ रहे हैं उत्तराखंड को, उनके लिए ईजी है, बट जो अदर स्टेट्स के फ्रेंड्स हैं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो एकदम से कुछ दिन में वो याद नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण बाल अधिकार की बात है, बाल अधिकार के संरक्षण की बात हो रही है। तो बाल अधिकार किसे चाहिए? जो बहुत ही टॉर्चर किया हुआ है, बच्चों को टॉर्चर करते हैं ना, बच्चों को टॉर्चर बाल, तभी तो उनके अधिकार की संरक्षण की बात हो रही है। तो बाल अधिकार अजय सेतिया, उनको बहुत सताया। ठीक है, बहुत सता दिया किसी, तभी उसके बात हो रही है, बच्चों को बताया जाता है बाल अधिकार संरक्षण अजय सेतिया। अगर आपके सामने अजय सेतिया आप रिलेट कर सकते हैं कि सेतिया, ओके, तो यहाँ पर बच्चे के संरक्षण की बात थी, बच्चों को सताया गया। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गीता खन्ना। वर्तमान अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार, उसमें फर्स्ट कौन था राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का? सेतिया। ठीक है, क्योंकि वो सताए हुए बच्चे। ठीक है, और प्रेजेंट में है गीता खन्ना। इतने नाम हैं कि मैं आपको एज ए स्टोरी भी इसको नहीं बता सकती, कुछ इसमें ट्रिक्स नहीं अप्लाई हो सकती, तो जितना हमारा इसमें बन रहा है हम उसको कर रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष राज्य ओबीसी आयोग संजय नेगी। देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप कोई भी आपके फ्रेंड्स होंगे आप अपने माइंड में इमेज बना के, ठीक है वो मेरा दोस्त ओबीसी है, उसका नाम संजय। ठीक है, ओबीसी के टू हैं, ओबीसी
ओबीसी एससी, ठीक है, लीलावती राणा वर्तमान अध्यक्ष राज्य एसटी आयोग की कौन है? लीलावती राणा, ठीक है। और एससी आयोग की कौन है वर्तमान? देखो करंट क्वेश्चन है, सारे वर्तमान के हैं, प्रेजेंट में कुछ भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ेंगे इनको, याद करेंगे, रट लेंगे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष राज्य एससी आयोग मुकेश कुमार, मुकेश, एसटी लीलावती, ओबीसी ओबीसी संजय, ठीक है, संजय नेगी, एससी मुकेश, एससी मुकेश, फिर ओबीसी संजय और एसटी कौन है? लीलावती राणा, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग एनपी नवानी, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग एनपी नवानी की, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में नए नए कौन बने हैं अध्यक्ष? नवानी, राज्य लोक सेवा आयोग जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनके अध्यक्ष पहले कौन बने? एनपी नवे नवानी, नए नए अध्यक्ष बने नवानी, ठीक है, नवानी। नेक्स्ट, वर्तमान अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग पी दत्ताल, वर्तमान अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के कौन? रवि दत्त गोदियाल। फर्स्ट कौन थे राज्य लोक सेवा आयोग के? नवानी, और अभी वर्तमान के गोदियाल, ठीक है, रवि दत्त गोदियाल। अब ये कैसे याद रख सकते हैं? आपने न्यूज में भी सुना होगा रवि कुमार आईएएस ऑफिसर बने, तो उन्होंने बैक टू बैक 3-4 टाइम क्लियर किया एग्ज़ाम को, और वो काफ़ी हाईलाइटेड पर्सनैलिटी भी रहे हैं रवि कुमार, तो वहाँ से वर्तमान के आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट नवानी एंड सेकेंड सॉरी लेटेस्ट वर्तमान की कौन? रवि दत्त, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष अधीन चयन आयोग डॉक्टर आर बी एस रावत, प्रथम अध्यक्ष अधीन आर बी एस, अधीन कौन है? आर बी एस रावत। वर्तमान अध्यक्ष अधीन आयोग कौन है? आईपीएस, ये आईपीएस है गणेश मर्तोलिया, गणेश सिंह मर्तोलिया, अधीन आयोग के वर्तमान है आईपीएस गणेश मर्तोलिया। प्रथम राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस एच ए रजा, ठीक है, एस एच ए रजा। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग इश जो निर्वाचन मुख्य निर्वाचन दोषी, वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट, वर्तमान के जो आपके राज्य मुख्य निर्वाचन चंद्रशेखर भट्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं पश्चिम षणमुगम, डॉक्टर वी षणमुगम, ओके। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग डॉक्टर आर एस टोलिया, प्रथम मुख्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, सूचना की डॉक्टर आर एस टोलिया, ठीक है, टोलिया जा रही है क्या सूचना देने, ठीक, टोलिया कैसे जा रही है, क्या करने जा रही है, सूचना देने, तो डॉक्टर एस टोलिया। वर्तमान पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त है अनिल चंद्र पुनेठा, चंद्र पुनेठा। वर्तमान अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक आर के जैन, तो जैन से याद रखेंगे, आर के जैन, आर के जैन से याद रखेंगे, अल्पसंख्यक साउंड अल्पसंख्यक आर के जैन, ठीक है, अल्पसंख्यक के हैं। प्रथम मुख्य आयुक्त राज्य सेवा का अधिकार आयोग आलोक कुमार जैन, प्रथम मुख्य आयुक्त। अब इतने सारे नाम हो गए हैं, हम सब में कोई कोरिलेशन जबरदस्ती का तो नहीं बनाएंगे, वो आप क्लिक ही नहीं होगा माइंड में, तो लग रहा है हमको कि ठीक है ये आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप थोड़ा सा जब आप इतने सारे लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन एलिमिनेट वहाँ से आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। क्या होता है
इतने सारे आपको नाम याद है, ऐसे नहीं होगा कि सारे आपको माइंड में सेट रहेंगे, सूचना का ये है, अल्पसंख्यक का ये है, बट जब आप ऑप्शन देख पता होगा कि नहीं, अच्छा ये तो अल्पसंख्यक में है या फिर ये सूचना में है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव अधिकार का, आप वहाँ से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इसलिए हमें होता है ना, सारे याद नहीं करने हैं, बट हमें कुछ हमारे माइंड में सेट होने चाहिए कि उसमें हमने वो ट्रिक वो कोरिलेट करके याद किया था, तो आप वो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएं। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन कौन है? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, प्रथम मुख्य आयुक्त राज्य सेवा का अधिकार आयोग आलोक कुमार जैन। वर्तमान मुख्य आयुक्त है रमा के आयुक्त के रमा स्वामी। प्रथम मुख्य सचिव अजय प्रथम मुख्य सचिव विक्रम सिंह। वर्तमान मुख्य सचिव राज्य प्रशासन संधू। प्रथम महानिदेश प्रथम अंत चरण वर्तमान महानिदेशक प्रथम महानिदेशक अशोक कांत और प्रेजेंट के वर्तमान महानिदेशक अभिनव। ठीक है, थैंक यू। ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।